हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो कैसे हो आप लोग बच्चों? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे घर पर, और प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही होगी, है कि नहीं बच्चों? तो हमारा अपना चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके थे एनिमल किंगडम, तो जिसको हमें अभी आगे की तरफ डिस्कस करना है, तो जल्दी जल्दी जो है हम इस चैप्टर को आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में कुछ भी अगर डाउट रहा हो आप लोगों का, कमेंट में मेरे को जरूर पूछिए बच्चों, ठीक है ना? तो बच्चों हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बताइए? यस, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस टॉपिक में हम लोग क्या सीख रहे थे बच्चों? इस टॉपिक में हम लोग सीख रहे थे कि एनिमल किंगडम में जो भी फाइलम्स है, उन फाइलम्स में एनिमल को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, या फिर किस बेसिस पे हमने ग्रुप बनाया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे पॉइंट जो थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि नहीं? कौन कौन से पॉइंट बच्चों हमने डिस्कस किया, चलो एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया, बॉडी सिमेट्री हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, है कि नहीं? उसके साथ साथ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स भी हमने डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग ऑर्गन सिस्टम वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ बॉडी सिलोम और बॉडी कैविटी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? मेरे ख्याल से अपना ये पांचवा पॉइंट होगा, ओके? तो दिस इज आवर नेचर ऑफ, नेचर मतलब किस तरह का, ठीक है ना? उसका नेचर कैसा है? अच्छा, हम कहते हैं ना इस ये लड़के का नेचर बहुत अच्छा है, इस लड़की का नेचर बहुत अच्छा है कि नहीं? तो उसी तरह से नेचर मतलब क्या कैरेक्टर रहा होगा उसका, ठीक है ना? तो नेचर ऑफ बॉडी सिलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है बच्चों? अब सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये जो मैंने लिखा है बॉडी सिलोम या फिर बॉडी कैविटी क्या होता है। कैविटी या फिर सिलोम के बारे में कहें तो एक खाली जगह, एक स्पेस, एक कैविटी, एक डिप्रेस्ड एरिया, ठीक है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं कैविटी, ठीक है? देखो बच्चों, अगर सिंपली हम लोग कहें इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना, बॉडी कैविटी या फिर बॉडी सिलोम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये क्या है मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, ओके? सेकेंड पॉइंट होगा विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम आइदर साइड्स, मतलब कि आइदर साइड मतलब दोनों साइड से, ठीक है? और ये मेसोडर्म क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, तीन जर्म लेयर के बारे में मैंने कहा था, है ना? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीन जर्म लेयर होते हैं, बाहर वाला क्या था एक्टोडर्म, बीच वाला क्या था मेसोडर्म, और एकदम अंदर वाला क्या था आपका एक्टोडर्म, ठीक है ना? तो ये जो मेसोडर्म के सेल होंगे इस कैविटी को दोनों तरफ से आपका क्या करके रखेंगे, कवर अप करके रखेंगे, या फिर इसके ऊपर ये सेल्स बिछे हुए होंगे आपके। कैसे? देखिए, मान लो कि ये अपना एक ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल सा अपना एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना? इस तरह का एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है हमारा, ओके? चलो थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एस्की हेलमिंथिस वगैरह हो गया आपका, एस्की हेलमिंथिस जो हमारा, चलो इसी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मान लो ये अपना क्या है एनिलिडा है, एनिलिडा में से मान लो ये आर्थोम है, मान लो, ठीक है ना? तो आर्थोम का ये हो गया माउथ, और माउथ के बाद इसका एलिमेंट्री कैनल, मतलब कि इंटेस्ट में सीधा ड्रॉ कर दे रहा हूँ खाली बच्चों, ठीक है ना? मान लो ये उसका माउथ है और ये उसका एनस है, सो ये उसका माउथ हो गया, दिस इज द माउथ एंड दिस इज द एनस। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्रॉप गिजर्ड वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, मतलब यहाँ से खाना खाएगा एनिमल, ये उसका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है,
जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, जिसको हम लोग गट भी कहते हैं, जिसको हम लोग GIT भी कहते हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। मतलब कि ये क्या हो गया, दिस इज द गट, मतलब एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल हो गया, और ये तो इसका बॉडी का वॉल होगा, है ना बच्चों, बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल हो गया। अब मैंने क्या कहा यहां पर, देखिए आप लोग, इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, मतलब कि ये जो खाली जगह है बच्चों, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस, ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं सीलोम, दिस इज नोन एज सीलोम। ठीक है, देखो बच्चों अभी जो है आप लोग एनिमल्स के बारे में जो है धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है, ठीक है, ये तो शुरुआत है, ये बेसिक्स है, ये फंडामेंटल है, इसको इसीलिए आप लोग जो यहाँ पर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लेटर और जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोग का सारा कुछ इजी हो जाने वाला है, ठीक है, तो मेरे भरोसा कीजिए आप लोग और जस्ट जो है सीखते रहिए। तो हमने क्या कहा, बॉडी कैविटी को क्या, फिर बॉडी सीलोम को क्या कह रहे हैं, इट इज द स्पेस बिटवीन द गट वॉल, ये जो गट का वॉल है और जो बॉडी वॉल है उसके बीच का जो स्पेस है, इन सब स्पेस को हम लोग सीलोम कह रहे हैं। अब दूसरा लाइन देखिए, इट इज विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन द आइदर साइड, मतलब कि यहां पर भी आपको मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे, हेयर ऑल्सो यू बी एबल टू सी द सेल्स ऑफ मेसोडर्म, यहां पर मेसोडर्म के सेल मिलेंगे, यहां पर भी मेसोडर्म के सेल्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जब ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, बॉडी वॉल या फिर सॉरी बॉडी कैविटी कहेंगे, ये स्पेस सेम इस तरह से भी होगा आपका, यहाँ पर कौन कवर्ड अप करके रखा है, फिर किसने लाइनिंग किसका है आपका, यहाँ पर मेसोडर्म का, और यहाँ पर भी जो लाइनिंग है आपका किसका है, वो मेसोडर्म का लाइनिंग होगा, और ये जो खाली जगह आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द स्पेस, इस स्पेस को हम लोग कह रहे हैं सीलोम, ठीक है ना बच्चों। हमारे बॉडी में सीलोम या फिर किसी कैविटी की जरूरत क्यों होती है, मैं अभी बताऊंगा। लोअर एनिमल्स में ये जो सीलोम है या फिर ये जो बॉडी कैविटी है एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल जैसे जैसे हायर होता जाता है, जैसे जैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसमें हमको सीलोम की जरूरत पड़ती है। क्यों? पहली बात तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, उनके लिए जगह चाहिए होगा, है कि नहीं, तो वो सारी चीजें जो है इस सीलोम में रहती है। और ये जब सीलोम होगा, मान लो ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा सॉलिड है, क्या वो मुड़ पाएगा अच्छे से, क्या फ्लेक्सिबल होगा वो, नहीं। लेकिन अब उसके बॉडी में कैविटी है तो वो एनिमल को क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा एनिमल को, वो बेंड वगैरह हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन है, ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायर होता जाएगा हमको उसके बॉडी में सीलोम बनता हुआ नजर आएगा, समझ गए, ओके। अगर ह्यूमन के बारे में अगर बात करें बच्चों, देखो थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मिटा दे, ये तो डेफिनेशन हो गया होगा, है ना, ओके चलो नहीं मिटाएंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये माउथ है हमारा, दिस इज द माउथ, ये हमारा माउथ है, तो ये अपना क्या होगा, इसोफेगस, इसोफेगस से फूड कहां पर जाएगा, ऑब्वियसली बच्चों स्टमक में जाएगा, और ये क्या है हमारा, दिस इज आवर डियोडिनम, ओके, और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे का सारा मैं ड्रॉ नहीं करूंगा अभी फिलहाल, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो ये यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से जो है डायफ्राम देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ओके, ठीक है ना। अब देखो हमारा बॉडी वॉल कौन सा, ये डायफ्राम है, तो ये हमारा ये वाला कैविटी क्या हो गया, दिस कैविटी इज नोन एज योर एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं, और ये कैविटी है थोरैसिक कैविटी, जहां पर आपको लंग्स मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बॉडी वॉल, ये सारा बॉडी वॉल हो गया हमारा, यहां से लेके यहां तक ये बॉडी वॉल है, यहां से लेके यहां तक ये अपना क्या है, बॉडी वॉल है, लाइक दिस, ये बॉडी वॉल, ठीक है। और ये क्या है, गट वॉल, तो दिस इज आवर बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द गट वॉल, गट क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और इसके बीच में जो आपको ये स्पेस देखने को मिल रहा है, या फिर यहां पर जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, ये सारा स्पेस क्या है, बॉडी सीलोम, है ना, समझ गए बच्चों।
और एक कंडीशन क्या कहा था मैंने कि यहाँ पर ये किससे अलाइंड होगा, मेसोडर्म से लाइनिंग करके रखेगा। तो यहाँ पर आपको जो है मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे, इस साइड भी देखने को मिलेंगे लाइक दिस, गट वॉल में भी आपको मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस साइड भी आपको मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी मेसोडर्म होगा क्योंकि मेसोडर्म जो है कैविटी को क्या करता है, लाइंड अप करके रखता है लाइक दिस। ये मेसोडर्म के सेल्स है, यहाँ पर भी आपको मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे। सो बॉडी कैविटी आप समझे आप लोग, इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन आइदर साइड्स। आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना, बड़ा सिंपल। ओके, अब लेकिन इसके बारे में हमको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एक और बात मैं कहता हूँ, ये टर्म्स हम लोग बाद में यूज करेंगे, ये जो लाइनिंग है इसको हमें पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। बॉडी वॉल में जो मेसोडर्म का लाइनिंग है उसको पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, और गट वॉल में जो मेसोडर्म का लाइनिंग है उसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इन सबके बारे में, अभी हमारा फोकस किसमें है, बॉडी कैविटी में फोकस है। अब देखो बच्चों, जो बॉडी कैविटी होता है उसके ऊपर बेस्ड करके हम एनिमल को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से कैटेगरी में बांटते हैं, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड यू सिलोमेट। तो उसके ऊपर बेस्ड करके हम जो एनिमल को है कितने कैटेगरी में बांटेंगे, एक दो और तीन, कौन कौन से फाइलम आएंगे हम मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम अभी कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों, मैं बताऊंगा कि ये सिलोम बनता कैसे है एनिमल के बॉडी में, और कौन सा सिलोम कैसे बनता है वो बता दूंगा, और साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सा सिलोम आपको देखने को मिलेगा। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, आगे बढ़े। तो काम करते हैं, सारा मिटा देते हैं हम लोग अभी। और आप देखिए, आप लोग, मैं ऊपर टॉपिक लिख देता हूं, बॉडी सिलोम। ठीक है, अब देखिए, याद करो जब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बारे में, सबसे पहले आपका क्या हो रहा था, यहां पर जायगोट बन रहा था कि नहीं, जायगोट, जायगोट से फिर क्या बन रहा था, मोरूला बन रहा था। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, मोरूला, है ना। मोरूला से फिर क्या बन रहा था, ब्लास्टुला बन रहा था कि नहीं। ब्लास्टुला में क्या देखने को मिल रहा था, ये जो सेल्स थे ये पेरिफेरल रीजन में इस तरह से आपके चले गए थे, है ना, लाइक दिस, इस तरह से, है ना। और इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे थे हम लोग, ब्लास्टुला कह रहे थे, है ना। इसके अंदर एक कैविटी बन चुका था, इस कैविटी को हम लोग क्या कह रहे थे, ब्लास्टोसील कह रहे थे हम लोग, है कि नहीं, यस। अब देखो बच्चों, यहां से हमने क्या सीखा था, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो ब्लास्टुला है ये कुछ इस तरह से अंदर जो सेल्स हैं इसके इनवेजिनेट होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, और लेटर ऑन मैंने कहा था आपको तीन जर्म लेयर बन जाते हैं कि नहीं, कौन कौन से जर्म लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बनेगा और मेसोडर्म आपका बाद में बनेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपने देखा था एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, लाइक दिस, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद ये भी आपका क्या है, ब्लास्टुला ही है, खाली इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बाद आप लोग देखिए क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के बाद आपका ये आगे नीचे वाले सेल, ये रेड से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्टोडर्म है। तो जिस जिसको समझ में नहीं आ रहा मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, लेकिन ठीक है फिर ही ये लेक्चर आप देखिए। तो नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, दीज आर योर एक्टोडर्म, द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म,
और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। और ये सारे किसके सेल्स है, दीज आर द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म के सेल्स है। और मैंने कहा था बीच में बहुत सारे सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इन सेल्स को हम लोग कहेंगे मेसोडर्म। ये लेयर मतलब इस पूरे सेल के लेयर को मेसोडर्म कहेंगे, ठीक है ना, अकेले एक सेल को नहीं कहेंगे। तो लाइक दिस, ये मेसोडर्म के सेल्स थे इस तरह से। अच्छा एक बात, थोड़ा सा इसका इमेजिनेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, मैंने कम ड्रॉ कर लिया, थोड़ा इमेजिनेशन जो है इसका ज्यादा होगा आपका। इस तरह से दोबारा से मैं सेल को ड्रॉ कर देता हूं, तो ये हो गया एक्टोडर्म के सेल्स। देखो कितना आसान है ना सब कुछ, और ये हो गए मेसोडर्म जो अपना जर्म लेयर है उसके सेल्स, लाइक दिस। लेबलिंग करते हैं बच्चों, तो लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेबलिंग में ये क्या था, एक्टोडर्म, ये क्या है मेसोडर्म, और मैंने कहा था इन्हीं जर्म लेयर से आपका क्या बनने वाला है, इन्हीं जर्म लेयर से आपका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनेंगे आपके, है ना। और ये था आपका एंडोडर्म। अब देखो बच्चों, ये जो कैविटी था यहां पर, ये जो कैविटी का नाम क्या था, ब्लास्टोसील था क्या, वो कैविटी आपको यहां पे नजर आ रहा है, नहीं है ना। अब ये ऑर्गेनिज्म जब बड़ा होगा तब भी इसमें कोई कैविटी आपको इसके बॉडी में नहीं नजर आएगा, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज योर एसीलोमेट, जिनके बॉडी में सीलोम क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग यहां से क्रॉस सेक्शन देखें या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो ये अल्टीमेटली आपको किस तरह का नजर आएगा, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया इसका गट वॉल, है ना, ये क्या था आर्केंटेरॉन था कि नहीं, इस कैविटी को हम लोग क्या कह रहे थे, दिस कैविटी इज नोन एज आर्केंटेरॉन, ये आपका क्या था प्रिमिटिव गट था ना, दिस वॉज द प्रिमिटिव गट, है कि नहीं। और इस ये जो कैविटी था, जो ये कैविटी बना था आपका, इसका जो मुंह था, इसका जो ओपनिंग था, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, दिस इज नोन एज योर ब्लास्टोफोर, है कि नहीं। अब अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो इसके क्रॉस सेक्शन को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। इसके क्रॉस सेक्शन को अगर हमको ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा, इनर का गट का लेयर आपको दिखने वाला है, ठीक है। इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाहर आपको जो है एक्टोडर्म के सेल्स नजर आएंगे, एंडोडर्म के सेल नजर आएंगे, फिर आपको क्या नजर आएगा, जो मेसोडर्म जो जर्म लेयर था वो आपको नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके, इस तरह से। और बाहर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर एक्टोडर्म नजर आएगा लाइक दिस, इस तरह से एक्टोडर्म नजर आएगा आपको, अब देखो बच्चों, ये जो है दिस इज द, ये आपका बनेगा बॉडी वॉल लेटर ऑन जाके, और ये आपका जो है गट वॉल, ठीक है, और ये तीनों जर्म लेयर। अब देखो क्या बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपको कोई भी कैविटी नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं, जो अपने पहले तरह वाला है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज योर एसीलोमेट, ओके। और एसीलोमेट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे स्पॉन्जेस, मतलब पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, फिर आपका आ जाएगा टिलोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथेस, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है ना, प्लेटीहेलमिंथेस एक मैं ड्रॉ करके बताता हूं, जैसे कि आपका लिवर फ्लूइड होता है,
ये पेड़ के पत्ते की तरह होता है आपका, ठीक है ना, और ये उसका हो गया इंटेस्टाइन लाइक दिस, ठीक है ना, ओके। और यहां पर कोई भी आपको जो है स्पेस नजर नहीं आएगा, यहां पर एक टिश्यू भरा होगा आपका, ठीक है ना, लाइक दिस। सो दिस इज द बॉडी वॉल, ठीक है ना, ये हो गया गट वॉल। क्या यहां पर आपको बॉडी कैविटी नजर आ रहा है? नहीं, यहां पर पूरा का पूरा जो है टिश्यू भरा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है लेटर ऑन डेवलप करके, ये इस तरह का जो आपको दिख रहा है ये लेटर ऑन डेवलप करके इसके सारे सेल डिफरेंशिएट होकर इस तरह का हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये लिवर फ्लूइड है आपका, लिवर फ्लूइड एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है। दिस एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस, ठीक है ना। तो देखो ये आपका लेटर ऑन डेवलप करके जो है इस तरह का एनिमल बन जाएगा। ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपका क्या है, कोई भी कैविटी नहीं है। और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एसीलोमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अल्टीमेटली किसी भी कैविटी का डेवलपमेंट नहीं होता, सारा कैविटी मेसोडर्म के सेल से आपका भर जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपका, ठीक है। अब दूसरा वाला मैं बताता हूँ, जो दूसरे वाले होते हैं उनको कहते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है ना, सूडोसिलोमेट। और सूडोसिलोमेट क्यों कहते हैं हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो एक तरह कैसे तो ये बना आपका एसीलोमेट वाले बने, अब दूसरी तरह वाले देखिए आप लोग, ठीक है ना। वही फिर से हमने क्या कहा था, अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्टोडर्म के सेल्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर मेसोडर्म, सॉरी नॉट मेसोडर्म, गलती हो गई, यहाँ पर आपका क्या होगा एक्टोडर्म के सेल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये सब सेल कहां से आ रहे हैं, कहां से डिवाइड हो रहे हैं, ये देखो, ये हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यहां पर क्या होंगे बीच में, अब ये तीसरा जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगा मेसोडर्म, ठीक है। पूरा ड्रॉ कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगा, जल्दी 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 ड्रॉ किया जाए, स्पीड करते हैं थोड़ा, है ना बच्चों। ओके ठीक है, यहाँ पर सेल्स में थोड़ा सा न्यूक्लियस डाल देते हैं लाइक दिस, इनमें भी न्यूक्लियस होगा, छोड़ो ऐसा भी ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा सिलेंड्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेलमिंथेस, उनमें तो डेवलपमेंट होगा ऐसे होगा लाइक दिस, ठीक है ना। और उनको अगर कट कर दोगे एनिमल को तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, मतलब बॉडी वॉल और जो गट वॉल है उसके बीच में कोई भी आपको स्पेस नहीं नजर आएगा, जैसे कि मैंने यहां पर एक लिवर फ्लूइड का एग्जांपल आपको बताया। लेकिन लेकिन प्लेटिहेलमिंथेस के बाद जो फाइलम आएगा एस्किहेलमिंथेस, ठीक है ना। तो ये जो एस्किहेलमिंथेस होता है इसके बाद इनमें थोड़ा सा चेंजेस हमको नजर आएगा, कैसा चेंजेस, यहां पर कुछ खाली जगह बनने लगेंगी, यहाँ पर कुछ खाली जगह मतलब कुछ सेल्स जो है मेसोडर्म में कुछ सेल्स साइड हट जाएंगे, ये हट गया साइड हट गया, और यहां पर कुछ पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर बन गए, पॉकेट साइड हट गया, देखो मेसोडर्म में कुछ सेल। तो यहां पर आप कैविटी नजर आ रहा है कि नहीं, कैविटी नजर आ रहा है आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आप इनको हम लोग सिलोमेट कह सकते हैं, मतलब इनके बॉडी में सिलोम है, लेकिन आगे वर्ड है सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सिलोमेट। क्यों, देखो अगर हम इस एनिमल को काट के देखें, मतलब ऐसा एक क्रॉस सेक्शन लगाएं, तो क्रॉस सेक्शन में आपको कैसा नजर आने वाला है आप देखिए, अगर इनको हम क्रॉस सेक्शन लगा दें इस तरह से, ट्रांसवर्स सेक्शन पीएस, इस पोजीशन में टीएस लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर एक्टोडर्म के सेल्स, सॉरी बार बार एक्टोडर्म बोल रहा हूं, एंडोडर्म के सेल्स, ठीक है ना, ओके। फिर आपको जो ये जो पॉकेट्स हैं वो पॉकेट्स नजर आएंगे आपको इस तरह से, यहां पर लाइक दिस ये पॉकेट नजर आ गया, चलो यहां पर भी पॉकेट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना।
और आपको फिर यहां पर जो है मेसोडर्म के सेल्स नजर आएंगे इस तरह से। ओके लाइक दिस। ओके तो यहां पर एक पॉकेट नजर आ गया, यहां पर एक पॉकेट नजर आ गया, यहां पर एक पॉकेट नजर आ गया आपको, ठीक है ना। ओके इस तरह से। ओके और बाकी बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारा एक्टोडर्म इस तरह से। तो यहां पर एनिमल के बॉडी में कैविटी तो है, ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यूअस कैविटी हमको नजर नहीं आ रहा है। वी आर नॉट एबल टू सी अ कंटिन्यूअस कैविटी, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपका जब हमने डेफिनेशन लिखा था तो मैंने बताया था आपको कि जो बॉडी में कैविटी बनेगा आइदर साइड, दोनों साइड आपको कौन लाइनिंग में देखने को मिलेगा, मेसोडर्म, ठीक है। आपको यहां पर इसके कैविटी के एक साइड तो मेसोडर्म का लाइनिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन कैविटी के दूसरे साइड क्या आपको मेसोडर्म का लाइनिंग देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है ना। एक तो कंटिन्यूअस आपका क्या है, सीलोम जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, एक वो बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जो मेसोडर्म जो लाइनिंग है, मैंने कहा तो आइदर साइड होना पड़ेगा, कैविटी के दोनों तरफ होना पड़ेगा, लेकिन कैविटी के आइदर साइड नहीं है, हमको एक ही साइड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं सूडो सिलोमेट, ठीक है ना। This type of animals are known as your pseudocoelomate. ये दूसरे तरह के होंगे, ये जो word है pseudo, pseudo का मतलब होता है false, मतलब coelomate, coelom तो है इनमें, coelom तो है, लेकिन false coelomate, true coelom नहीं है इनमें, क्योंकि इनके सीलोम में हमको मेसोडर्म का जो लाइनिंग है वो कैविटी के दोनों साइड हमें नजर नहीं आ रहा है आपका, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। ओके और सूडो सीलोमेट में एग्जांपल में आपका एटी फाइलम आने वाला है एसी हेलमेटिस, तो एसी हेलमेटिस आपको जो है सूडो सीलोमेट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब तीसरे तरह का जो सिलोमेट होते हैं, दैट इज द यू सिलोमेट, मतलब ट्रू सिलोमेट, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यू सिलोमेट या फिर ट्रू सिलोमेट आपको किस तरह का नजर आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना, आपके जो क्या है यहां पर ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट वाला का डेवलपमेंट ऐसे होगा, सुडोसिलोमेट वाले का डेवलपमेंट ऐसे होगा, यू सिलोमेट वालों का डेवलपमेंट इस पॉइंट के बाद ऐसे होगा, इस पॉइंट के बाद देखो कैसे होगा, उनमें मैं देख बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के बाद आइदर हमको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में ना, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एकदम बढ़िया से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। ओके और यहां पर भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ओके बच्चों बायोलॉजी बहुत आसान है, ध्यान देना है, स्टार्टिंग में तो एकदम क्लास 10 पास करके आए हो जो बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन एकदम फोकस बनाए रखिए, जो डाउट होता है मेरे को पूछते जाइए एकदम, ठीक है ना। ओके अब देखो यहां से क्या बनेंगे, वही तीनों जर्म लेयर बनेंगी, तीनों जर्म लेयर तक तो किसी का कोई डाउट नहीं है कि नहीं, उसके बाद मैं बता रहा हूं कैविटी कैसे बनेगा। तो तीनों जर्म लेयर हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देते हैं एकदम अच्छे से, तीनों जर्म लेयर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। ओके तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए जो है तीनों जर्म लेयर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन से जर्म लेयर के सेल्स होंगे बच्चों बताओ, एंडोडर्म, ठीक है ना, और फिर एक्टोडर्म, क्योंकि मेसोडर्म तो लास्ट में फॉर्म होता है तो हम लोग लास्ट में ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना।
यहां पर भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। वही मैं सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं तीन डर्म लेयर वाला, ठीक है ना। और बीच में आपका क्या फॉर्मेशन होगा, मेसोडर्म के सेल्स आ जाएंगे बीच में और तीनों डर्म लेयर का फॉर्मेशन हमको होता हुआ नजर आएगा। वेरी वेरी सिंपल लाइक दिस। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो तीसरा तरह वाला जो है यहां पर बॉडी कैविटी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो डायग्राम क्यों ड्रॉ कर दिया है ना, एक मिनट बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक थोड़ा देखिए लाइक दिस मेसोडर्म के सेल जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, ये सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल है बच्चों, इन्हीं से ही बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनने वाले हैं। ओके लाइक दिस, तो ये तीन जर्म लेयर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और ये हो गए, ठीक है ना। अब बच्चों बात क्या होती है, जो अपना थर्ड वाला जो सिलोम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यू सिलोमेट कहते हैं। मैं पे टर्म एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, यू सिलोमेट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो यू सिलोमेट है या फिर इनके बॉडी में जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो दो तरीके से बनेगा आपका, ठीक है ना। पहला तरीका क्या होगा बच्चों, जाके एक ही चीज बनना है, तरीका दो होगा खाली, ठीक है ना। तो एक में क्या होगा, यहां पर कुछ पाउच बनने लगेंगे, पाउच कुछ पॉकेट्स बनने लगेंगे आपके, जिनको स्कीजो सिलोमिक पाउच भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से कुछ पाउच बनने लगेंगे, कुछ मतलब कि मेसोडर्म के सेल जो है हटने लगेंगे, कुछ पाउच बनने लगेंगे आपके, जिनको स्कीजो सिलोमिक पाउच कहेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। दे आर नोन एज योर स्कीजो सिलोमिक पाउच। स्कीजो सिलोमिक पाउच, पाउच का मतलब क्या होता है, पोटली होता है ना, इस तरह से बन सकता है। या फिर इसमें क्या होगा, या फिर जो मेसोडर्म होगा वो यहां से स्प्लिट कर जाएगा। एक तो यहां पर मेसोडर्म में क्या हो रहा है, पाउच बन रहा है, ओके, एक ऐसा हो सकता है। नहीं तो दूसरा आपका क्या होगा, यहां पर जो गट वॉल है, गट वॉल से जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट कर जाएगा आपका, इस तरह से गट वॉल से मेसोडर्म जो है वो आपको स्प्लिट करता हुआ नजर आएगा, ऐसा लाइक दिस गट, दिस मेसोडर्म विल बी स्प्लिटिंग फ्रॉम द गट वॉल, इस तरह। ठीक है ना। अब लेटर ऑन इसमें क्या होगा, ये जो सारे के सारे जो इनको कहते हैं एंटेरोसिलोमिक पाउच, इनको क्या कहेंगे, एंटेरोसिलोमिक पाउच, दे आर नोन एज एंटेरोसिलोमिक पाउच, ठीक है ना। मतलब यहां पे तो जो आपका मेसोडर्म है वो स्प्लिट कर रहा है, उसमें पॉकेट्स बन रहे हैं आपके, नॉट स्प्लिट कर रहा है, उसमें पॉकेट्स बन रहे हैं, कुछ एम्प्टी पॉकेट्स बन रहे हैं। और यहां पर क्या है आपका, गट वॉल से आपका क्या हो रहा है, जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट कर रहा है, ये देखिए किस तरह से स्प्लिट कर रहा है। अब अल्टीमेटली जाके आपका क्या होगा, ये सारे के सारे जो स्कीजो सिलोमिक पाउच है ये सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे और एक कंटिन्यूअस कैविटी बना देंगे आपका, और यहां पर ये दोनों और ज्यादा डेवलप कर जाएंगे और एक आपका क्या बना देंगे, वहां पर एक कंटिन्यूअस कैविटी बना देंगे आपका, ठीक है ना, इस तरह से। तो अल्टीमेटली दोनों जाके जो है एक ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। कंटिन्यूअस आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से कंटिन्यूअस सिलोम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ आपके क्या होंगे, एंडोडर्म के सेल्स होंगे यहां पर लाइक दिस, यहां पर एंडोडर्म के सेल्स आपको इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आपको
एक्टोडर्म के सेल्स नजर आने वाले हैं लाइक दिस। और ट्रू सिलोम का हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था ना, वो दोनों तरफ से किस चीज से घिरा होगा आपका, मेसोडर्म से घिरा होगा, या फिर मेसोडर्म उसको क्या करेगा बच्चों, लाइनिंग करके रखेगा आपको, है कि नहीं, लाइक दिस। ये देखो ये हो गया आपने एक्टोडर्म। अब दोनों तरफ से इस कैविटी को कौन लाइन करने वाला है, अपने मेसोडर्म के जो भी सेल्स हैं दोनों तरफ से इसको लाइनिंग करेगा। तो हो गया ना ये ट्रू बॉडी कैविटी, जो हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस। और यही कैविटी लेटर ऑन डेवलप करके पूरा का पूरा बॉडी कैविटी बना लेगा आपका। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्ब्रायनिक स्टेज में किस तरह से आपके कैविटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, लाइक दिस। तो यहां पर देखो बॉडी कैविटी क्या हो रहा है, हर तरफ से किससे घिरा हुआ है आपका, मेसोडर्म से घिरा हुआ है, जो यहां पर नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रू बॉडी कैविटी हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका यू सिलोमेट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि यहां जायगोट से तो यहां तक आपको पता चल गया है। तो जो तीसरा तरह वाला जो आपका है यहां पर बॉडी कैविटी, द थर्ड टाइप इज योर यू सिलोमेट। और यू सिलोमेट दो तरह के होंगे जो इस तरह से डेवलप होंगे, मतलब इसके बाद जो इस तरह से डेवलप होंगे जिनमें आपका स्कीजो सिलोमिक पाउच बनेगा, उनको हम लोग कहते हैं स्कीजो सिलोम। ओके, दिस इज नोन एज स्कीजो सिलोम। ये दो तरह के होंगे, पहला होगा स्कीजो सिलोम जिनमें स्कीजो सिलोमिक पाउच बनेगा, और दूसरे वाले होंगे आपका एंटेरो सिलोम। ये दोनों ही लेकिन आपके क्या है, ट्रू सिलोम है, याद रखना है आपको, ठीक है ना, यू सिलोमेट आ रही हो, ट्रू सिलोमेट। बस बनने का थोड़ा तरीका अलग है, एक में मेसोडर्म में आपके पाउचेस बन रहे हैं, वो लेटर ऑन ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ज्वाइन होके, और एक में क्या हो रहा है, मेसोडर्म गट वॉल से स्प्लिट हो रहा है आपका, ठीक है ना, और वो लेटर ऑन आपका ज्वाइन हो जाएगा, और ज्वाइन होने के बाद कैविटी फिर से इसी तरह का बनेगा। तो जिसमें स्कीजो सिलोमी पाउच बनेंगे जिन एनिमल्स में, और लेटर ऑन ज्वाइन हो जाएगा, उनको स्कीजो सिलोमेट कहते हैं हम लोग, और सिलोम को स्कीजो सिलोम कहते हैं। और जिन एनिमल्स में आपका क्या होगा, तीन जर्म लेयर बनने के बाद मेसोडर्म आपका स्प्लिट कर जाएगा गट वॉल से, और लेटर ऑन जो है ये आपके ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से, उनको हम लोग क्या कहेंगे, वी आर कॉलिंग देम एज एंटेरो सिलोमेट, या फिर उस सिलोम को क्या कहेंगे, एंटेरो सिलोम कहेंगे हम, ठीक है ना। तो यहां पर जो इसके एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे, यहां पर जो एनिमल्स होंगे होंगे एनिलिडा, एनिलिडा में जो भी फाइलम है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है ना। बाकी एंटेरोसिलोम में आपके सॉरी एंटेरोसिलोम यस, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेट्स। मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और अगर इसका अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन निकाल दे, तो इसका क्रॉस सेक्शन हमको किस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना। हमने तीनों का क्रॉस सेक्शन निकाला, तो इसका भी यहां से हम लोग इसको कट करके देखते हैं हमको किस तरह का नजर आने वाला है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, तो सिंपली देखो ए सिलोमेट, ये हमने ए सिलोमेट ड्रॉ किया ना, चलो तो मैं यहां पर एक अभी सिलोमेट ड्रॉ करता हूं, यहां पर मिलेगा बॉडी कैविटी, तो ये हमारे एक्टोडर्म के सेल्स, ये रहा हमारा सिलोम जो डेवलप कर गया था, ठीक है ना। और आपको यहां पर क्या मिलेगा, दोनों साइड में मेसोडर्म के सेल्स देखने को मिलेंगे, मेसोडर्म के सेल्स इसको क्या करेंगे, घेर के रखेंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स, इस तरह से। और बीच में आप लोग जो है बॉडी कैविटी नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, और बाहर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्टोडर्म, ये सारा का सारा एक्टोडर्म।
लाइक दिस। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन किसका देखने को मिलेगा, जिस ये एनसीईआरटी के बुक में ये तीनों डायग्राम है क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना। बुक खरीदा होगा तो आप लोग जरूर बुक के साथ जो है कंपेयर करते जाइए यहाँ पर, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। जहां पर यहाँ पर क्या होगा एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म का लाइनिंग, ये आपको बॉडी कैविटी देखने को मिल रहा है, ये आपका जो अंदर का है दिस इज द बॉडी वॉल, ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपका क्या है एंडोडर्म है, ठीक है ना। ये बॉडी वॉल है और ये चलो इनको मिटा देते हैं जर्म लेयर को, दिस इज द, अरे यार ये अंदर का गट वॉल है ओके, और ये है बॉडी वॉल लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है आपको एक कैविटी यहाँ पर नजर आएगा अगर हम इसको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन करके देखें तो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो है बच्चों आप लोगों का जो है बॉडी सीलोम आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ बॉडी सीलोम क्या होता है। बॉडी सीलोम का मतलब होता है इट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, सिंपल। ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है आपका, जब जर्म लेयर्स बनती है ना उस टाइम पे आपका बनता है, ठीक है ना। जिन एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है उनको एसिलोमेट कहते हैं। जिन एनिमल्स में आपका क्या होता है कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट होती है लेकिन उनमें मेसोडर्म का लाइनिंग नहीं होता है उनको सूडोसिलोमेट कहते हैं। और जिन एनिमल्स में होता है एक ट्रू बॉडी कैविटी होता है जिसमें चारों तरफ से मेसोडर्म का लाइनिंग होता है उनको हम लोग कहते हैं यूसिलोमेट। लेकिन वो सिलोम कैसे बना, दो तरीके से बना, तो वो एनिमल फिर से दो कैटेगरी में आ जाते हैं। जिनमें आपका क्या होता है मेसोडर्म में पाउचेस बनने के कारण होती है उनको हम लोग कहते हैं स्काइजोसिलोमेट या फिर स्कीजोसिलोमेट, और जिनमें आपका मेसोडर्म गट वॉल से स्प्लिट कर जाता है फिर जाके कैविटी बनता है उनको कहते हैं एंटेरोसिलोमेट। लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों जो है इसी तरह से बनेंगे आपके ट्रू सिलोमेट, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपका। तो अब हम करते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, बॉडी कैविटी या फिर हमने पढ़ा बॉडी सिलोम। जो अगला है हमारा हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द सेगमेंटेशन, ठीक है ना बच्चों। पढ़ने के ड्यूरेशन को अभी आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है बहुत वास्ट है बच्चों। डॉक्टर बनना है आपको, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा पढ़ाई करने से आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है। अपने पेशेंट्स को बढ़ाइए बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और अब लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ने के लिए खुद को एकदम ढाल लीजिए ओके। और मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप इतना लंबा लंबा वीडियो बनाते हो ऐसा कैसे होगा। बच्चों आप लोग जब क्लास करने के लिए आओगे हमारा जो एक क्लास होता है वो डेढ़ घंटे का होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाओ एक क्लास जो होगा आपका 1.5 आवर्स का होगा और आपको तीन क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन क्लास आपको कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। कितने घंटे हो गए, तीन घंटे चार घंटे साढ़े चार घंटा, ठीक है ना। तो साढ़े चार घंटा तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद फिर से क्लासेस होंगे, तो पूरा दिन जो है आपको छह घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। फिर रात को सेल्फ स्टडी होता है बच्चों, सेल्फ स्टडी में फिर से छह घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तैयार कर लो खुद को मेंटली, अगर डॉक्टर बनना है ठान लिया है आपने डॉक्टर बनना, मेक योरसेल्फ रेडी मेंटली फिजिकली हर तरह से रेडी कीजिए ओके। चलो मैं ज्यादा क्लासरूम में बातें नहीं करता, टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन के ऊपर हम लोग डिपेंड करके भी एनिमल्स को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना छठा होगा, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन। देखो बच्चों हम लोग अपने प्लेनेट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखते हैं जिनके बॉडी में सेगमेंट्स होता है, ठीक है ना। मतलब उनका बॉडी जो है जैसे अर्थफॉर्म की अगर बात कर ले, अर्थफॉर्म अपना कैसा होता है उसका बॉडी इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में आपका क्या होता है बटा हुआ होता है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में हमको अगर सेगमेंटेशन दिख रहा है कि नहीं उसके ऊपर भी हम एनिमल्स को क्या करते हैं दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है आपका सूडो सेगमेंटेशन। सूडो वर्ड का मतलब मैंने आपको बोला था, एक होता है सूडो सेगमेंटेशन
वन इज सूडो सेगमेंटेशन, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े वर्ड देख के टेंशन में मत आइए, ठीक है। एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो चलो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब ट्रू सेगमेंटेशन, और सूडो वर्ड का, सूडो जो वर्ड है उसका मीनिंग तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब ये एनिमल सेगमेंटेशन तो शो करेंगे, मतलब इनका बॉडी जो होगा वो अलग अलग सेगमेंट्स में बटा तो होगा, लेकिन ये ट्रू नहीं होंगे। कैसे ट्रू नहीं होंगे, क्यों ट्रू नहीं होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है, चलो एक हम लोग एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थवर्म का ही। सबसे पहले तो यहां पर बॉडी जो होता है एनिमल का, बॉडी इज डिवाइडेड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब बॉडी में जो आपको डिवीजन देखने को मिलेगा वो बॉडी के बाहर भी देखने को मिलेगा और बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर दूसरी बात करें हम लोग यहां पर, कुछ ऑर्गन्स के हर सेगमेंट में आपको रिपीटेशन देखने को मिलेंगे। सो रिपीटेशन ऑफ सर्टन ऑर्गन्स इन ईच सेगमेंट, मतलब हर एक सेगमेंट में जो है कुछ ऑर्गन्स के रिपीटेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अपना अगर हम लोग अर्थ में यहां पर ड्रॉ करें लाइक दिस, अब अर्थों में तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, अराउंड आपका डिपेंड करेगा 120 सेगमेंट तक आपको अर्थों में सेगमेंट्स देखने को मिलेगा इस तरह से। तो अगर ये एनिमल का अगर एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड मतलब आगे वाला हिस्सा, हमारा एंटीरियर साइड कौन सा, ये जहां पे माउथ है, ओके, एंड प्रोस्टीरियर साइड। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर ट्रू सेगमेंटेशन हमको क्या कह रहा है, ये जो एनिमल का बॉडी है ये बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी सेगमेंटेड है, मतलब बंटवारा बाहर से अंदर से दोनों तरफ से समान है। रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन इन ईच सेगमेंट, मतलब कि यहां पर अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है तो वो यहां पर भी रिपीट होगा, यहां पर भी रिपीट होगा, यहां पर भी रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गन रिपीट होंगे, कोई एक ऑर्गन रिपीट होने से हो जाएगा, लेकिन वो हर ऑर्गन में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। और हर सेगमेंट को, जो हर सेगमेंट होता है, हर एक सेगमेंट को नाम दिया गया है मेटामियर, हर एक सेगमेंट को क्या कहलाएंगे हम लोग बच्चों, मेटामियर कहलाएंगे, ठीक है। एक और बात, थ्रू सेगमेंटेशन का एक और बात होता है, अब ट्रू सेगमेंटेशन में जब एनिमल डेवलप करता है तो जो नए सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो नए सेगमेंट्स होते हैं वो प्रोस्टीरियर साइड से बनना स्टार्ट होते हैं, इस प्रोस्टीरियर साइड से नए सेगमेंट बनना स्टार्ट होते हैं, मींस न्यू सेगमेंट आर फॉर्म्ड एट प्रोस्टीरियर साइड, प्रोसीरियर साइड में जो है न्यू सेगमेंट आपके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एक और बात, अगर आप इसमें से किसी सेगमेंट को कट करके रिमूव कर दो, ये बेचारा मर जाएगा, समझो ये मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रह पाएगा आपका, ठीक है ना। क्यों, इसका बॉडी का फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इसका नर्वस सिस्टम कट हो जाएगा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कट हो जाएगा, गया काम से ये, ठीक है ना। तो इफ यू रिमूव एनी सेगमेंट्स द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ओके। रिमूवल ऑफ एनी सेगमेंट लीड्स टू डेथ ऑफ एनिमल, तो ये एनिमल मर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो एनिमल्स जिनके बॉडी में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से आपको सेगमेंटेशन नजर आने वाला है,
जिनके हर एक सेगमेंट्स में कोई ना कोई ऑर्गन आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा, तो इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जरा इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कहने वाले हैं मेटामेयर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की खास बात यह होती है, जो न्यू सेगमेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड में अटैच होता है। क्लियर है? ओके। और अगर आप कोई सेगमेंट इस एनिमल का जबरदस्ती रिमूव कर दो तो वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स जो सिस्टम वगैरह है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह का सेगमेंट्स आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इस तरह का जो सेगमेंट्स है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल इन एनेलिडास, देन आर्थ्रोपॉड्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एनेलिडास मतलब जिसमें अर्थफॉर्म वगैरह आते हैं आपके, देन आर्थ्रोपॉड्स मतलब इंसेक्ट वगैरह, उनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा कॉर्डेट्स में भी। अब कॉर्डेट्स में तो ह्यूमंस भी आते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया ह्यूमंस में सेगमेंटेशन होता है कि नहीं, आंसर इज यस, ह्यूमंस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। आप सोच रहे हो यार हमारे बॉडी में कहां सेगमेंटेशन है कि नहीं, एक्चुअली हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में सेगमेंटेशन नहीं है। हमारे बॉडी में जो ट्रू सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन है, बैकबोन किससे बना है, स्मॉल स्मॉल वर्टिब्रे से बना है आपका। तो वो वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए वो आपका एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे मसल्स भी हैं जिन मसल्स में आपको सेगमेंट्स का रिपीटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल रीजन्स में होते हैं ऐसे मसल्स, ठीक है ना। ओके, सो लाइक दैट, हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, कुछ कुछ रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग सूडो सेगमेंटेशन की, या फिर फॉल्स सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो फॉल्स सेगमेंटेशन, जैसे कि अपना एक फेमस सा एनिमल है, उस एनिमल का नाम है टीनिया सोलियम या फिर टेपवर्म, ठीक है ना। ये इसके सकर्स हो गए, ये इसके हुक्स हो गए, ठीक है। तो एनिमल क्या होता है आपका, सबसे पहले इस वाले पार्ट में एनिमल का बडिंग चलता है, और बडिंग चलने के बाद वो क्या बनाता है, न्यू सेगमेंट्स आपके ऐड करते रहता है। तो बहुत लंबा होता है एक्चुअली आपका ये, ठीक है ना, ये बहुत लंबा होता है आपका। और ये लोगों में जो है आपका, जैसे कि कॉर्प वगैरह, अगर अगर जो कॉर्प वगैरह होता है वो अगर आपका क्या हो, मेस्लिप कॉर्प कहता है, अगर उसमें अगर आपका इसका अगर क्या हो, इसके सेगमेंट्स वगैरह हो, तो वो अगर आदमी कंज्यूम कर लेता है तो उससे हो जाता है आपका। या फिर बीफ वगैरह भी होता है आपका, जिसमें अगर जो खराब मीट होता है एक्चुअली, उसमें अगर ऐसा अगर इसके अगर आपको मिल जाए, वॉर्म वगैरह मिल जाए, ठीक है ना, तो भी उस आदमी को हो जाएगा, उसने अंडर कुक करके उसको खाया हो, ठीक है ना। ओके, तो वो सब बात करेंगे हम लोग लेटर ऑन, फिलहाल सूडो सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना हो गया एक टेपवर्म, साइंटिफिक नेम है टीनिया सोलियम। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिंथेस। मैंने कहा था ना प्लेटीहेलमिंथेस वाले जो एनिमल होते हैं पैरासाइट होते हैं, बीमार कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल का क्या हो गया, एंटीरियर साइड, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर साइड, ठीक है ना। अब यहां पर न्यू सेगमेंट देखो, ट्रू सेगमेंटेशन में न्यू सेगमेंट कहां पे ऐड हो गए थे, पोस्टीरियर साइड में। यहां पे जो न्यू सेगमेंट ऐड होंगे, जो न्यू सेगमेंट जो आपके ऐड होंगे वो कौन से साइड पे होंगे, आपके एंटीरियर साइड में। यहां पर बडिंग चलता रहेगा, नए सेगमेंट बनते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नए सेगमेंट ऐड होते जाएंगे। और एक बात, अगर इस एनिमल के इस सेगमेंट को अगर हम लोग यहां से सेट कर दें लाइक दिस, ओके, तो ये एनिमल जो है मरेगा नहीं, ठीक है ना, ये जिंदा रहेगा, ये एकदम टिप टॉप जिंदा रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, जो आपको टेपवर्म जैसे एनिमल में देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर बेस करके भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बच्चों आज खत्म कर देते हैं। एक और लास्ट टॉपिक है, जस्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जरा वो मेरे से सुन लीजिए, ओके, मेघल से हो गया होगा आपका, ठीक है ना, मिटा दिया जाए। तो लास्ट इज आवर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
पर नोटोकॉर्ड क्या होता है? मैं बता रही था आपको है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड होता है बच्चों, ये फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम सेल्स ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म जो जर्म है, मतलब ये कब बनेगा? इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये कौन से साइड में ज्यादातर बनता है? इट इज फॉर्म्ड एट अपर साइड और डॉर्सल साइड। मतलब जो एम्ब्रायो होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होगा, मान लो दिस इज एन डेवलपिंग एम्ब्रायो, उसी डेवलपिंग एम्ब्रायो का जो मेसोडर्म, जो मेसोडर्म जो जर्म लेयर था, उसी जर्म लेयर से क्या होगा, एक कॉर्ड जैसा एक फ्लेक्सिबल एक लचीला स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड का मेनली फंक्शन क्या होता है? टू सपोर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो, टू सपोर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है ना। तो नोटोकॉर्ड में आपका क्या होगा, नोटोकॉर्ड का मैं फंक्शन, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेल का एक बहुत बड़ा मास बन जाता है, सेल डिवाइड हो के सेल का एक मास बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब वो जो सेल का मास है, ना तो उसमें बोन है, ना तो उसमें कार्टिलेज है, तो उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो मेसोडर्म के कुछ सेल्स एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड जैसा आपका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो डॉर्सल साइड पे बनता है आपका, या फिर अपर साइड पे बनता है, और जो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया नोटोकॉर्ड। अब जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड बनता है उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनमें हम उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। सिंपल, इनमें क्या हो गया, नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो गया, इनमें नो नोटोकॉर्ड फॉर्म, नो नोटोकॉर्ड फॉर्म। और ये कहां से कहां तक होंगे, दे विल बी फ्रॉम द फाइलम पॉरिफेरा टू, अरे पॉरिफेरा, पॉरिफेरा से लेके एग्जांपल पॉरिफेरा टू हेमिकॉर्डेट्स, पहले के 10 फाइलम, ठीक है ना। और जिनमें नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है उनको कहते हैं हम लोग कॉर्डेट्स, ओके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। और ये किन में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल फाइलम कॉर्डेट्स। अब देखो बच्चों, कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नोटोकॉर्ड पूरा लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड की तरह ही रह जाता है, ठीक है। और कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब अपना जो बैकबोन है ना वर्टिब्रल कॉलम, उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये पूरा लाइफ टाइम फिर एक बॉडी के एक्सिस मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, या फिर ऐसे कॉर्डेट्स को क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो इन वर्टिब्रेट्स, इन इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म्स टू वर्टिब्रल कॉलम, और देखो सिंपल सी बात है, जिन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पूरा लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड की तरह ही रह जाता है उनको हम लोग कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना।
और जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है उनको कहेंगे वर्टिब्रेट्स, एज सिंपल एज दैट। तो इसके साथ ही बच्चों हमने जो है अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म किया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, डाउट है तो कमेंट में मेरे से जरूर पूछिएगा। अब हम अगले क्लास से जो है एक एक फाइलम को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर और पढ़ते रहिए, ओके।